श्योपुर शहर में निकाली जिला कांग्रेस कमेटी ने विशाल ट्रैक्टर ट्रॉली किसान न्याय यात्रा राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन के आलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। श्योपुर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज शुक्रवार को श्योपुर में विशाल किसान सम्मान यात्रा निकाली। कांग्रेस पार्टी के सबलगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक और किसान सम्मान यात्रा के प्रभारी बैजनाथ कुशवाहा ने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों को किसान विरोधी बताते हुए किसानों की आय को दो गुना किए जाने के भाजपा के आश्वासन को कोरा ढकोसला बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का ऐलान किया था, लेकिन 2024 का नौवां महीना चल रहा है, अभी तक उनकी घोषणा पर अमल नहीं हो पाया है। इससे किसानों को उनकी फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल पा रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर पा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसान काले कानून का विरोध डटकर नहीं करते हैं तो उनके भूख मरने की नौबत आ जाएगी। श्योपुर शहर की सलापुरा नहर से यात्रा शुरू की गई, जो शहर के जयस्तंभ चौक होते हुए श्योपुर कलेक्ट्रेट तक पहुंची और वहां जिला प्रशासन के अधिकारियों को किसानों की हक की लड़ाई से जुड़े ज्ञापन को राष्ट्रपति जी के नाम सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक बापू जंडेल, जिलाध्यक्ष अतुल चौहान सहित क्षेत्र के कांग्रेसी नेता और किसान शामिल रहे। श्योपुर से अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज हम श्योपुर जा रहे हैं और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय जीतू पटवारी जी, उनके द्वारा जो उन्होंने जो वादा किया था विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन दुगनी नहीं उनकी तो आधी भी नहीं रही। और मैं ये सारे लोग किसान हैं और ये हमारे साथ आज वहाँ पर ज्ञापन देंगे और जो फसलों की जो उन्होंने जो विधानसभा में जो उनके एजेंट था भारतीय जनता पार्टी का कि हम 2700 रुपये गेहूँ खरीदेंगे, लेकिन उन्होंने 2275 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदा, उसकी अभी तक भरपाई नहीं हो पाई है। उसके बारे में आज हम ज्ञापन देंगे उनके लिए। और सोयाबीन की जो रेट अभी जो 6000 होनी थी वो भी नहीं हो पाई है और हमारे क्षेत्र में अतिवर्षा हो चुकी है, उसके बारे में भी हम उनके लिए देंगे कि जो फसल खराब हुई तिल्ली सोयाबीन थोड़ा जो बिल्कुल ज़्यादा बरसात से बिल्कुल खेतों में ही गल गया है, उसके बारे में हम उनके लिए जानकारी देंगे। उनके लिए क्या लग रहा है, कई शहरों में तो रोका जा रहा है किसानों को ट्रैक्टर को, क्या कहती हो? वो उनकी तानाशाही है भाजपा के लोगों की और वो नहीं चाहते कि हमारी जो पोल पट्टी जनता के सामने आए और इस तरह वो अपनी हरधर्म तो अपना रहे हैं, वो अनुचित है। कांग्रेस क्या किसानों के लिए तैयार है उनकी मांगों को पूरी करवाने के लिए? कांग्रेस तो हमेशा किसानों के साथ ही रही है और जब से किसानों के बारे में हमेशा मैं देखा हूँ, चाहे तो कमलनाथ जी हों, उन्होंने बिजली की रेटा थी जो किसानों की वो आधी की थी और आज भी सुनो 100 रुपये हॉर्स पावर के हिसाब से उन्होंने जो बिल लिया था किसानों से, और भाजपा जैसे ही आई तो उन्होंने दोगुना कर दिया। तो मैं देखता हूँ कि हमेशा कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेसों के और गरीब जनता के साथ रह जाती है। ये है कि ये किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान अन्नदाता है, किसान ही अगर दुखी रहेगा तो भारत किसी भी सूरत में समृद्धशाली और मजबूत नहीं बन सकता। भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ तक के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में ये कहा था उत्तर प्रदेश की रायबरेली की सभा में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो देश के हर किसान की हम आय दूनी कर देंगे, लेकिन 2016 से लेके अभी 2024 हो चुकी है, अभी तक किसान की आय दूनी की तो बात छोड़ो, किसान और गर्त में चला जा रहा है, उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ तक के कांग्रेस ने 65 साल राज किया, कभी किसानों के जो कृषि यंत्र उन पर कभी टैक्स नहीं लगाया, यहाँ तक कि अंग्रेज इस देश में लंबे समय तक राज करके चले गए, अंग्रेजों ने भी कृषि यंत्रों पर टैक्स नहीं लगाया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, वो मुख्यमंत्री कहते हम किसान के बेटा हैं, मोदी जी भी कहते हम किसान के बेटा हैं, और किसान के बेटा कृषि टैक्सों पर कृषि यंत्रों पर टैक्स लगा करके किसान की कमर तोड़ दी है। खाद महंगा है, डीजल महंगा है, बीज महंगा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, किसान दुखी है, लाचार है, मजबूर है, परेशान है, बेबस है। इसलिए हम उन्हें उनकी जो कही हुई बात है उसको याद दिलाने के लिए आज पूरे प्रदेश के अंदर में हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पर आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों पर ये किसान न्याय यात्रा निकाली गई है। इससे हम सरकार की जो वायदा खिलाफी है उसको हम स्मरण दिलाना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर दलित भाइयों पर, अल्पसंख्यक भाइयों पर और आदिवासी भाइयों पर, महिलाओं पर, बालिकाओं पर किस तरह से दुराचार अत्याचार किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा और दूसरे
जघन अपराधियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के उस पर मोहन सरकार चुप है। लगातार पूरे मध्य प्रदेश में हम मांग कर रहे हैं कि किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाए, धान का 6000 रुपये, धान का 3500 दिया जाए, सोयाबीन 6000 दिया जाए, गेहूं का 3000 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए, सरसों का 7000 दिया जाए, चने का 7000 दिया जाए, बाजरे का दिया जाए। इन मांगों को लेकर के श्योपुर इलाके की जो भूमाफियों का गठजोड़ बना है भारतीय जनता पार्टी का, जमीनें लूटने में लगे हुए हैं पूरे इलाके की, उसके खिलाफ में, और जो आपका ये मादक पदार्थ का माफिया है पूरे जिले में सक्रिय, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, चाहे गांजा हो, चाहे चरस हो, चाहे इसमें को, चाहे अवैध शराब हो, इनसे, इनके खिलाफ में हमने अभियान चलाने के लिए बोला है कि इसमें पुलिस की मिलीभगत और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत है। इन सब बातों को लेकर के चाहे निराश्रित गोवंश सड़कों पर पड़ा हुआ है, उससे कई लोगों की दुखद मौत हो रही है, और तमाम जो मुद्दे जनता के हित के हैं उनको लेकर के हमने व्यापक ट्रैक्टर रैली, सैकड़ों सैकड़ों